हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हो गए, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और कहीं पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग नाबार्ड की पहली क्लास कर रहे हैं और इस क्लास में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एआरडी का पोर्शन है। और उससे पहले कि आज 14 फरवरी है और आज के दिन 4 साल पहले हमारे देश के जो महान सैनिक हैं उन पर एक घातक अपघात हो गया था, एक अटैक हो गया था जिसमें कि वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे। काफ़ी दुखद घटना थी ये, तो हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और 4 लाइनें उनके लिए बोलते हैं। आप सभी उनको एकजुट होकर उनके लिए लाइन जरूर बोलिएगा। लाइन है कि है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में सौर की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर गए पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। और हमेशा जब भी आपको कोई सैनिक दिखता है, जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो उस संस्थान उस चीज़ का पार्ट रहा हो, जो हमारे देश में हम लोग आज बहुत सुरक्षित फील करते हैं सिर्फ उनकी वजह से। वो बॉर्डर पर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मशक्क़त के साथ वो अपने देश की रक्षा करते हैं, वो लगन उनके साथ होती है, तो उस लगन के साथ हमें भी उनका हमेशा अप्रिसिएशन करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा अंतर से कभी कभी उनको कुछ उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। हमें उनको सफाई नहीं देनी, हमें उनको रोकना नहीं है, पर कम से कम अपने अंदर वो भावना रखनी है कि आपको लोग देखकर वो उनके पर सम्मान प्रकट करें, ठीक है। तो हमेशा जब भी ऐसी कोई व्यक्तित्व आता है आपके सामने तो उसको हृदय से सम्मान दिया करें, एक बार जरूर उसको रुक कर प्रणाम किया करें, जरूर उसको सम्मान किया करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास की। आज अभी तक हमने अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। इसके अलावा जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो नाबार्ड के एआरडी पोर्शन की चर्चा करने वाले हैं और एआरडी में जो मैं आपको बताऊंगा वो हॉर्टिकल्चर के कुछ प्रश्नों पर बताऊंगा। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर पुराने क्वेश्चन भी होंगे ताकि आपको अपडेट होता लगे ये क्वेश्चन कैसे 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 रहेंगे, ठीक है। सही, हाँ, नमन बहुत योद्धाओं को। चलिए इसके अलावा जो बच्चे बैच में इंटरेस्टेड हैं वो एग्रीकल्चर महापैक में डबल वेल्टी चल रही है, आप इसमें ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश या नाबार्ड ग्रेड एक दोनों बैचेस आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो इन बैचेस के अंदर भी इनरोल कर सकते हैं और इनरोल करने के लिए आपको जो कूपन कोड इस्तेमाल करना है वो करना है Y612A, ठीक है। जब Y612A आप अप्लाई करोगे तो आपको 80% ऑफ मिल जाएगा, तो आज आपको 80% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप एग्रीकल्चर महापैक लेते हो जिसमें कि नाबार्ड के साथ साथ FCI नाबार्ड AFO और आपके एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट सभी एग्जाम की तैयारी एक साथ होती है तो वो आपको डबल वेल्टी यानी कि 2 साल के लिए मिल रहा है। कूपन कोड आपको सिंपली Y612A अप्लाई करना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे आपके सामने ये रहा, ये नाबार्ड के 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये बहुत सरल क्वेश्चन है, या इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने एग्जाम का नाम लिख दिया कि नाबार्ड के 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाक से आंसर दीजिएगा। स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी, ओल्ड्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत होने वाली है, फिर भी क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन तो आपको लेवल भी पता होना चाहिए। हर एक प्रकार का लेवल होता है, तीन इसमें एग्जाम के 3 लेवल रखे थे एआरडी के, मैं उन पर से चर्चा कर लूंगा अभी, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा शुभम त्यागी, वेलकम टू द सेशन, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से इस सेशन को शेयर करिएगा। बताइए स्टडी ऑफ फ्रूट नोन एज पोमोलॉजी, ओल्ड्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर या फिर अर्बोरिकल्चर, तो एज यू नो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा राधा राधा बेटा, इसका आंसर क्या रहेगा, पोमोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि अब देखो नाबार्ड 2021 पूछा गया क्वेश्चन है लेकिन सरल क्वेश्चन है, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार आपको नाबार्ड का पैटर्न बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर, क्योंकि आज पहली क्लास है तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए नाबार्ड जो एआरडी क्वेश्चन पूछता है वो 3 सेगमेंट पे पूछता है, ठीक है। पहला होता है आपका जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर में आपको ओवरऑल एग्रीकल्चर में फैक्ट पूछ लेता है, डेज पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट की फुल फॉर्म पूछ लेता है, एपिडा की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेता है, हेडक्वार्टर्स पूछ लेता है, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं जनरल एग्रीकल्चर के पोर्शन में। इस क्लास में कॉन्सेप्चुअल एग्रीकल्चर पूछ रहा है, इसमें कॉन्सेप्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तब आप इसके आंसर दे पाएंगे, कॉन्सेप्चुअल एग्रीकल्चर। और तीसरी होती है करंट अफेयर, तीसरे होते हैं करंट अफेयर, तो आपको इन तीनों पर कमांड अच्छी रखे। कॉन्सेप्चुअल एग्रीकल्चर में ही आपकी हॉर्टिकल्चर आ जाती है, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल है और बाकी हॉर्टिकल्चर में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में ज्यादा फोकस जो रहता है प्लांटेशन क्रॉप पे रहता है, ठीक है। आपने अगर पुराने पेपर देखे हो
इसके अलावा करंट अफेयर सबसे ज्यादा जो योगदान है वो करंट अफेयर का रहता है नाबार्ड के एआरडी में, तो आपको करंट अफेयर भी अच्छा फोकस करना है। ये योगदान कैसे निर्धारित होता है, ये पिछले प्रीवियस ईयर के अगर मैं दो साल के पेपर देखूं, दो साल में बहुत अच्छी करंट अफेयर आई है, तो आपको करंट अफेयर भी बहुत बढ़िया फोकस करना पड़ेगा। बाकी आप इस पोर्शन को देखेंगे तो आपको लगातार चीजें करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो आपके बैच के अंदर ये सभी चीजें कवर करवाई जाएंगी अलग अलग फैकल्टी के द्वारा, तो डोंट वरी रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ ट्रैप क्रॉप फॉर द अनियन लीफ माइनर, बताइए। ये नाबार्ड के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो अनियन लीफ माइनर के ट्रैप क्रॉप की तरह काम करती है, पोटैटो, मेरीगोल्ड, ओकरा, टमाटो या फिर कैबेज। फटाक से आंसर दीजिए जल्दी से, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा दिशा, ठीक है। सेशन को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते रहें। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए लिखा हुआ ए लिख गया है एज अ ट्रैप क्रॉप फॉर द अनियन लीफ माइनर, तो अनियन लीफ माइनर के लिए कौन सी ट्रैप क्रॉप अपना काम करता है बताइए भैया। पोटैटो, मेरीगोल्ड, ओकरा, टमाटो, कैबेज, अनियन लीफ माइनर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। कुछ लोग ओकरा बोल रहे हैं, कुछ लोग मेरीगोल्ड बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, आराम से थोड़ा आंसर दीजिए। देखो नाबार्ड के क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन दिखते सरल हैं पर थोड़े से कठिन होते हैं कभी कभार, तो आराम से हम मेरीगोल्ड बच्चे आंसर दे रहे हैं। ओके, और 17 से देख रहे हैं, 17 से देख रहे हैं, 8 लाइक है, 17 के 17 बच्चों लाइक बटन पर प्रेस मार दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर जो है अलग अलग आंसर आ रहा है, बी और सी में अच्छा आ रहा है इसके, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा। टमाटो इसका आंसर नाबार्ड में सही माना गया था कि जो लीफ माइनर होता है अनियन लीफ माइनर, उसके अट्रैक्ट के लिए, उसकी ट्रैप क्रॉप के लिए जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, वो आपका टमाटो होगा, ठीक है। इसलिए मैं बताया था, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देखो मैंने ये ऑप्शन क्यों डाले हुए, ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर सकूँ, ठीक है। जैसे कि हमारी जो ओकरा होती है ये कॉटन में ट्रैप क्रॉप देना काम करती है, ठीक है। कॉटन में जो ट्रैप क्रॉप की तरह काम करती है वो ओकरा करती है, क्यों, क्योंकि जो इसके फ्लावर होते हैं वो कॉटन से जल्दी निकल आते हैं, इसीलिए जो जो आपका पेक्टोफोरोगोसिपिल हायर डाइसेंट्रल कंगुलेटस है ये अट्रैक्ट होकर ओकरा पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि हमारा मेन क्रॉप बच जाती है, ठीक है। मेरीगोल्ड भी अटैक मानता है, मेरीगोल्ड भी जो है ये बीटी चीज़ों पर रोकथाम करता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो फ्लावर होता है इसको आसपास लगा देते हैं, जिससे कि कुछ अन्य इंसेक्ट्स होते हैं, जो मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं आ रहा, सूट बोरर है शायद, ये कोई ऐसा इंसेक्ट है जो इस पर ज़्यादा अटैक कर देता है और मेन क्रॉप आपकी बच जाती है, ठीक है। पोटैटो की अगर मैं बात करूँगा तो पोटैटो से दो तीन क्वेश्चन नाबार्ड में आ सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन जो नॉर्मल है नाबार्ड में आ सकता है वो है टीपीएस से, ठीक है, कि पोटैटो की जो टीपीएस होती है उसकी सीड रेट कितनी होती है, तो याद रखिएगा 150 से 200 ग्राम, कितना, 150 से 200 ग्राम होती है, ठीक है। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, मतलब कुछ किताबों में लिखा रहता है, ठीक है, वो क्या है, 100 से 150 ग्राम है, ठीक। और अगर सभी ऑप्शन में होते तो आप क्या लगाओगे, 150 ग्राम बिल्कुल सही लगाओगे, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, कभी कभी आपसे पूछ सकता है, हाँ हेल्को बरपा आ भी जाए, बिल्कुल बेटा, ठीक है आकाश चौधरी। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि जो पोटैटो होता है इसमें लेट ब्लाइट जो है उसको किससे लगता है, वो बेटा फाइटोप्थोरा से लगता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन लगता है, और इससे ही आयरलैंड में फेमाइन देखी गई थी, ठीक है। टमाटर से क्वेश्चन दो तीन बन सकते हैं, जैसे कि टमाटर से पूछ सकता है कि ब्लॉजम इंड्रॉट, ये बिल्कुल नाबार्ड के हिसाब से ध्यान रखिएगा, ब्लॉजम इंड्रॉट जो है ये किसकी कमी से लगता है, तो ये कैल्शियम की कमी से लगता है, किसे लगता है बच्चों, कैल्शियम की कमी से लगता है। और केवस से पूछ सकता है कि केवस में एक लगता है रॉट, क्या लगता है, रॉट, और वो रॉट जो है उसके लिए रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, तो पूसा मुक्ता है, पूसा मुक्ता, ये रॉट के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी मानी जाती है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि रॉट के लिए जो रेसिस्टेंट वैरायटी है कौन सी है, पूसा मुक्ता होती है। इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि बताइए भैया कि जो कैबेज होती है इसकी इसमें एक एंटी कैंसर कंपाउंड होता है, इसे क्या बोलते हैं, इंडोल, अरे लिख भी ले रहा है, इंडोल 3 कार्बिनॉल होता है, इंडोल 3 कार्बिनॉल जो होता है ये इसके अंदर एक एंटी कैंसर कंपाउंड होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ब्लैक रॉड बोलते हो बच्चों से, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है एवल मस्कस एस्कुलेंटस बिलोंग टू, अच्छा ये मैंने क्वेश्चन कल भी करवाया था यूपी गेट में, और ये क्वेश्चन नाबार्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट था, तो अभी मैंने इसको हटाया नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मेरे कल वाली क्लास में बिल्कुल एग्जैक्ट थे तो मैंने नहीं टाइम। एवल मस्कस एस्कुलेंटस बिलोंग टू द फैमिली मालवेसी, दैट इज द वार्म सीजन वेजिटेबल, दिस सोर्स ऑफ कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या आयोडीन, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको दोनों चीज़ों में देखने को मिलेंगे, बताइए। हाँ, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या आयोडीन, फटाक से आंसर दीजिए, या अगर आपने कल वाली भी क्लास की तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो फटाक से आपका इसका आंसर जल्दी से आना चाहिए। ओके, तो आयोडीन बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हंसा दिशा, पराग, शुभम, आकाश, शुभम त्यागी, ठीक है, मिनल, ओके, फिर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको कुछ चीज़ें कल बताई भी थी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताई थी, विटामिन ए के बारे में बताई थी, मैं आपको दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ, याद रखिएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कभी कभी पूछ लेता है विटामिन बी 3 की कमी से क्या होता है,
ठीक है। तो बेटा इससे आपका एक बहुत खतरनाक है, वो है पेलाग्रा। तो पेलाग्रा देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, पेलाग्रा जो है विटामिन बी थ्री पे देखने को मिलता है। इसके अलावा B6 जो है एनीमिया हो जाता है, B6 से क्या होता है एनीमिया हो जाता है, और B12 से परनीशियस एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून में बहुत कमी आ जाती है। जैसे हम लोग नहीं कभी कभी ब्लड में बहुत ज़्यादा कमी आती है, तो जब खून की कमी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं परनीशियस एनीमिया बोल देते हैं या एनीमिया बोल देते हैं। ठीक, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि भैया जी बताइए कि माउथ पर कॉर्नर पर छाले किससे आ जाते हैं, तो माउथ के कॉर्नर पर छाले जो होते हैं ये विटामिन बी की कमी से ही आते हैं, या जो हमारा नर्वस सिस्टम और दिमाग जो है अच्छे से काम नहीं करता वो भी विटामिन बी की कमी से ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन अगर अच्छा नहीं हो पाएगा, जब ब्लड सर्कुलेट अच्छा नहीं पाएगा, इधर से उधर घूम नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से हमारे जब अच्छा हो नहीं पाए तो हमारे शरीर के अंदर क्या रहेगी, डलनेस रहेगी, पूरा शरीर हमारा डल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनार्चिंग, ये भी नाबार्ड के 2020 में पूछा गया है, इनार्चिंग ग्राफ्टिंग मेथड इज प्रैक्टिस इन विच फ्रूट क्रॉप, फ्रूट क्रॉप लिख गया, फ्रूट क्रॉप लिखना चाहिए ना। बताइए। सपोटा, मैंगो, बनाना, ग्रेप, प्लम, ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने इस एग्जाम का नाम लिख दिया आराम से। असम में से कितने बच्चे जो फिल्म नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जरा मुझे अपडेट करते रहिएगा ताकि मुझे पता लगता रहा है कि स्टेटिफिकेशन है कि नहीं है। कुछ बच्चे ओनली एफ वाले होते हैं, कुछ नाबार्ड वाले होते हैं, तो पता लगता जाए, है ना, पता लगना जरूरी है। बता भाई। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा सपोटा। क्या हो जाएगा? सपोटा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, इनार्चिंग मैंगो में भी कर सकते हो, मैंगो में इनार्चिंग कर सकते हो, पर मोस्ट सुटेबल क्या है, सपोटा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सपोटा में सीड से भी कर सकते हो और इनार्चिंग भी कर सकते हो। मैंगो में जो है हम लोग मेनली बीनियर ग्रेफ्टिंग अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? बीनियर ग्रेफ्टिंग। अब देखो, अगर सपोटा में पूछा गया है तो कल को मैंगो में पूछ सकता है, तो बीनियर ग्रेफ्टिंग सपोर्ट अपनाते हैं मैंगो में। बनाना में क्या अपनाते हैं? स्वाड शकर। अच्छा, स्वाड शकर का वेट कितना होता है, जरा बताओ कमेंट में, स्वाड शकर का वेट कितना होता है, जरा कमेंट में बताओ हमें, हम जान जाएंगे तुम लोग होशियार बच्चे हो। ठीक है, ग्रेप की अगर बात करेंगे तो हार्ड वुड कटिंग से, हार्ड वुड कटिंग से हम लोग ग्रेप में करते हैं, और प्लम में भी हम लोग टंग ग्रेफ्टिंग कर लेते हैं, टंग ग्रेफ्टिंग प्रमेय कर देते हैं या बटिंग अपना लेते हैं। ठीक, ओके, हाँ, बनाना में बिल्कुल स्वाद सकर से कहते हैं, नमस्ते बेटा विष्णु, कैसे हो, बढ़िया हो एकदम, अच्छा। हाँ, लीची में एयर लेनिंग कर लेते हैं। ठीक है, लीची में क्या कर लेते हैं, एयर लेनिंग कर देते हैं। देखो, जब भी प्रोपोजिशन से क्वेश्चन आएंगे तो आपको लीची वाला बहुत अच्छे से याद रखना है, लीची में क्या करते हैं, एयर लेनिंग कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभार आपसे पूछ सकता है, क्या पूछता है कि जो हमारा प्यारा सा एक फल होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं पपाया, क्या बोलते हैं, पपाया बोल देते हैं, और पपाया में जो डायोसिस होता है और जो गांव डायोसिस होता है उसकी सीडलेट अलग अलग होती है। देखो, ये नाबार्ड की क्लास है तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, तो आप लोग किसी को अगर बहुत फास्ट क्लास करनी है तो आप रात को 8 वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वो सभी एग्जाम के लिए होती है, पर ये नाबार्ड की क्लास है तो मुझे पेशेंस से आपके बैच जो है वहाँ भी पेशेंस से पढ़ाना होगा, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे इसमें लेवल क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी घुमा हुआ रहता है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, पेशेंस से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डायोसिस की अगर मैं बात करूँगा तो डायोसिस में याद रखना कि इसकी जो सीडलेट होती है वो 250 से 300 ग्राम होती है, 300 ग्राम होती है, याद रखिएगा, और जो सॉरी गांव डायोसिस की, ठीक है, और डायोसिस कितनी होती है, 400 से 500 ग्राम होती है, कितनी होती है, 400 से 500 ग्राम। ठीक, तो गाइनो डायोसिस की सीडलेट कितनी होती है, ठीक है, अगर किसी किताब में लिखा तो उसमें भी ऐसा टिक लगा लेना, गाइनो की कितनी होती है, 250 से 300 ग्राम होती है, और डायोसिस की सीडलेट कितनी होती है, 400 से 500 ग्राम होती है। और मेनली जो हम लोग प्रोपेगेशन करते हैं वो सीड से ही करते हैं, किसके अंदर, पपीता के अंदर। पपीता से दो क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पपीता की कौन सी प्रजाति ऐसी है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अच्छी होती है। अच्छा, स्लो पढ़ाने का रीजन भी है क्योंकि मुझे नाबार्ड के स्टेटिफिकेशन को देखना रहता है कि ये क्वेश्चन नाबार्ड में आ सकता है तो वही जवाब से निकले। ठीक है, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी हो जाएगी, पूसा नन्हा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूसा नन्हा जो है ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और इसमें डिस्टेंस 1.25 × 1.25 रखते हैं और टोटल प्लांट 6400 लगते हैं। ठीक है, अब देखो, इसका जो मुख्यतः डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि जो इसका उद्गम हुआ था वो म्यूटेशन से हुआ था। किससे हुआ था? म्यूटेशन से। ठीक है, और म्यूटेशन को क्या बोल देते हैं हम लोग? सडन हर्टेबल चेंज इन जीन, अचानक से जीन में परिवर्तन को उत्परिवर्तन बोल देते हैं। ठीक है, तो गामा रेज डालकर इसका डेवलपमेंट कर दिया था। रेज कौन सी थी बच्चों? गामा रेज थी। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेटा, जो बच्चे देख रहे हैं, 21 बच्चे देख रहे हैं, लाइक बटन पे आप लोग प्रेस कर दिया करो, जिससे कि एक आंतरिक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे जो देख रहे हैं उन्हें सही लग रहा है।
ठीक है, हाँ पूसा डॉर्फ भी है, ठीक है। तो आप लोग लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दिया करो, ठीक है, इससे चैनल की रीच बढ़ती है, हमारे चैनल हमारे इस सेशन की रीच बढ़ती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि और बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है। जितने अच्छे बच्चे जुड़ते हैं उतना काफ़ी अनुभव होता है सुखद का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हाइब्रिड सीडेट रिक्वायर्ड फॉर द ब्रिंजल, ठीक है, ये भी हमने कल करवाया था, ठीक है, विच इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि आप जानते हो चार ही ऑप्शन है इसमें, तो आपने कल वाला कल सॉल्व भी किया होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा फटाक से कमेंट के अंदर बताइए। कल वाले क्लास अगर हमने देखी होगी यूपी गेट के लिए तो उसमें एक क्वेश्चन था, फटाक से इसका आंसर दीजिए जल्दी से कि इनआर्चिंग ग्रेफ्टिंग मेथड हो गया था, व्हाट इज द हाइब्रिड सीड रेट रिक्वायर्ड फॉर द ब्रिंजल विच इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। तो हाइब्रिड के लिए ब्रिंजल की सीड रेट पूछ रहे हैं, आंसर क्या रहेगा 150 से 200 ग्राम रहेगा, वेरी गुड बच्चों, अब आप गलत नहीं कर रहे हो, यानी कि आप कल वाली क्लास बहुत ध्यान से देखे हो। अगला क्वेश्चन बताइए, स्ट्रॉबेरी अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल मैन मेड हाइब्रिड, स्ट्रॉबेरी क्या है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल मैन मेड हाइब्रिड है जो कि क्रॉस किसका है, फ्रेगेरिया और अनानासा का क्रॉस है, ठीक है। हो सकता है आपसे ऐसे पूछे फ्रेगेरिया अनानासा क्रॉस क्या है, हाँ क्या है, फ्रेगेरिया और अनानासा का है। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी, तो इसमें देखो तीन क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है स्ट्रॉबेरी क्या है एक आर्टिफिशियल मैन मेड है, दूसरा क्वेश्चन क्या है ये फ्रेगेरिया और अनानासा का क्रॉस है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बताइए इसमें इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, तो आपको इतना आंसर देना है, बताइए 56, 44, 34, 38 बताइए। किसान मित्र ने आंसर दिया है 56, मिनल ने आंसर दिया है 42, ठीक है, हाँ आकाश शर्मा बोल रहे हैं 56, ठीक है, त्यागी जी बोल रहे हैं 42, आकाश चौधरी 42 बोल रहे हैं, ठीक है, हंसा यादव ए बोल रही है, ठीक है, अलग अलग आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक है, दिशा सिंह 42 बोल रही है। बेटा स्ट्रॉबेरी में 56 क्रोमोसोम्स होते हैं, 56 क्रोमोसोम देखे जाते हैं, ठीक है, हाँ सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा स्ट्रॉबेरी को हम लोग स्ट्रॉबेरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपकी क्या है स्ट्रॉबेरी मल्च क्रॉप है। चलिए, टिपिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, ये भी नाबार्ड में पूछा क्वेश्चन, में लिखना भूल गया हूं शायद, ये भी नाबार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है 2020-21 में पूछा गया होगा, बताइए टिपिंग जो है किससे संबंधित है, चाय कॉफी नारियल कैबेज या ननदीज, बताइए फटाफट बताइए, ये भी नाबार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके, और आपको अपडेट होना चाहिए। और प्लांटेशन से ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब अगर दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लांटेशन से आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन नाबार्ड में पूछा गया था, मैं अगले वीडियो में ले आऊँगा, उस क्वेश्चन का नाम था सी टी सी मैथड रिलेटेड टू कट टीयर कर्ल मैथड रिलेटेड टू, तो भी उसका आंसर क्या था, चाय था, और यहाँ पर टिपिंग पूछा गया तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, चाय हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा कॉफ़ी की अगर बात करेंगे तो कॉफ़ी से रोस्टिंग जो है वो कॉफ़ी में होती है, नारियल की बात करेंगे तो नारियल में हम लोग क्या देखते हैं कि इसे कल्प वृक्ष बोलते हैं, क्यों कल्प वृक्ष बोलते हैं नारियल को, कि हाँ स्कफलिंग भी कॉफ़ी में करते हैं, बिल्कुल सही बात है, और स्कफिंग चाय में करते हैं, स्कफलिंग कॉफ़ी में करते हैं, ठीक है। एक नारियल की बात करेंगे तो इसे कल्प वृक्ष क्यों बोलते हैं, ये आपसे पूछ सकता है, तो देखो इसका हर एक पार्ट यूज होता है, ठीक है, किस तरीके से पान में भाई, अगर इसका जो खोल होता है वो भी यूज होता है, ठीक है, खिलौने बनाने में जो इसका हस्क होता है वो भी यूज होता है, कोकोपीट बनाने में इसकी पत्तियाँ यूज होती हैं, रूफ को डालने में, ठीक है, इसका जो गरी होती है, पानी होता है, सब कुछ तो प्रयोग होता है, इसीलिए से हम कल्प वृक्ष बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ वो टॉपिंग और टिपिंग है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी नाबार्ड की, ये 2019 पूछा गया था, ठीक है, ये भी नाबार्ड पूछा गया था, पर ये 2019 में पूछा गया था, बताइए मिल्क फिश मस्टर्ड फ्रूट या हनी, ठीक है, किससे संबंधित है येलो रेवोल्यूशन। अब आई होप आप रात वाली क्लास देख रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, ठीक है। देखो आपको पैटर्न पता होना बहुत ही आवश्यक है हर एक एग्जाम का, ठीक है, आपको सिलेबस पता होना आवश्यक है, आपको जैसे ये यही नहीं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो आपको करवाई जाएगी, ठीक है, वो मैम जो आप स्पेशलिस्ट हैं ARD पोर्शन की, मतलब या फॉरी आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की RBI वगैरह को बहुत अच्छे से पहले से पढ़ा भी रहे हैं, और जो आपके अन्य पोर्शन हैं उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी, तो आप हर पोर्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाँ मस्टर्ड इसका आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, मस्टर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रोज फ्रूट टाइप इज नोन एज, ठीक है, ये भी हमारा रिपीट है, बेरी ड्रुप हिप या साइकोनस, ठीक है, रोज के फ्रूट टाइप को क्या बोल देते हैं, तो हमने कल करवाया भी था, आपको पता भी होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिप इसका आंसर सही हो जाएगा, कह रहे हैं बच्चों हिप इसका आंसर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज फाउंड एक्सटेंसिव यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क इन प्लांट। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बायोटेक का क्वेश्चन है, ठीक है, तुमने इसमें डाल दिया ताकि आपको थोड़ा ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। हालांकि बायोटेक है क्वेश्चन, पर यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज फाउंड एक्सटेंसिव इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूकोफेंसिस हो जाएगा, ठीक है, ये एजेंट की तरह काम खूब ज्यादा करता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूकोफेंसिस, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, व्हाट इज द टीएसएस परसेंटेज इन जेली, जेली में टीएसएस परसेंटेज कितना होता है, बताइए भाई। देखो नाबार्ड में जा रहे हो हॉर्टिकल्चर में प्लांटेशन को और पोस्ट हार्वेस्ट को, अच्छे से देख लेना। हाँ, पोस्ट हार्वेस्ट भी ठीक ठाक पूछ लिया था आपसे, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द टीएसएस परसेंटेज जेली, 68, 65, 40, 10 या 30, बताओ भाई फटाक से बताओ कि टीएसएस परसेंटेज जेली के अंदर कितना होता है, 68 होता है, 65 होता है, 40 होता है। अब देखो मेरी क्लास आज के दिन होती है 11:30 बजे, ठीक है, मंगलवार को 11:30 बजे नाबार्ड की क्लास होती है, तो इस क्लास की थोड़ी यहाँ से आदत डाल लेना। और रात को 8 बजे एक स्पेशल क्लास होती है, वो सभी एग्जाम के लिए होती है, तो रात को 8 बजे भी आपको स्पेशल क्लास को अटेंड करना है, ठीक है बच्चों। ओके, तो 65 आंसर आ रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो 65 होता है ये किसके अंदर होता है, जेली के अंदर होता है। जेम के अंदर कितना होता है, 68 होता है, कितना होता है, 68। जेली की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे अच्छी जेली किसकी बनती है, तो सबसे अच्छी जेली गुआवा की बनती है, ठीक है, और लेकिन जो सबसे अच्छा जेम होता है वो एप्पल का बनता है। किसका बनता है, एप्पल का सबसे अच्छा जेम बनता है, ठीक। इन दोनों में जो पल्प परसेंटेज है वो 45% रखते हैं, ठीक है, और मुख्यतः जो एसिड यूज होता है वो लिख लीजिएगा, सिट्रिक एसिड यूज होता है। कौन सा एसिड यूज होता है बच्चों, सिट्रिक एसिड मुख्यतः यूज होता है, ठीक, तो एसिड हो गया सिट्रिक एसिड। हाँ हाँ, पेट में क्लास मैं अपडेट कर दूँ, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, गुआवा की कौन सी वैरायटी में ज़्यादा जेली अच्छी बनती है, तो ललित की जेली बहुत अच्छी बनती है, ठीक है, और साथ साथ पूछ सकता है कि जेली का पीएच कितना होता है, 3.8 जो है इसका पीएच माना जाता है, ठीक। ओके, जो चेकिंग एंड पॉइंट होता है जेली का वो 103.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और वीपिंग जेली क्यों बन जाती है, तो ड्यू टू लो पेक्टिन, लो पेक्टिन जैसे क्या होती है, वीपिंग जेली हो जाती है, ठीक है। जेली का टेस्ट करते टेस्ट कैसे करते हैं, तो जेली का टेस्ट जो करते हैं वो हम लोग अल्कोहल टेस्ट है, जेलमीटर टेस्ट है, इन सबसे कर लेते हैं। जेली को नापने के लिए, सॉरी पेक्टिन को नापने के लिए जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है, जेलमीटर होता है। कौन सा बच्चों, जेलमीटर वो यंत्र का नाम होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ वाइन एंड वाइन मेकिंग इज कॉल्ड विटीकल्चर, सोरेनिकल्चर, ओनोलॉजी, अर्बोरिकल्चर ऑल। ये भी आपके नाबार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपके नाबार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, जहां तक मुझे आइडिया है, तो बताइए भाई। हाँ, द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ वाइन एंड वाइन मेकिंग कॉल्ड, तो साइंस ऑफ वाइन मेकिंग क्या कहलाता है, ये मैंने एफ में पढ़ा है, साइंस ऑफ वाइन मेकिंग क्या कहलाता है, विटीकल्चर, सेरेनोलॉजी, ओनोलॉजी, अर्बोरिकल्चर, ऑल ऑफ दी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए, वेरी गुड बच्चों, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा आपका ओइनोलॉजी, क्या हो जाएगा, ओइनोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा है यार। अगला क्वेश्चन, कंडीशन वेयर द टू बैच ऑफ मेल फ्लावर एंड टू बैच ऑफ बच्चा लिख गया इसमें, ठीक है, हाँ बहु बच्चा वाला लिख गया, फीमेल फ्लावर आर स्प्लिटेड टेम्परेली, दिस कंडीशन इज नोन एज, अलग अलग टाइम पर जो वो अलग करते हैं तो उन्हें क्या होता है, डाइकोगेमी, प्रोटेंडरी, ड्यूडोडाइकोगेमी, हर्कोगेमी या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाक से रहेगा ड्यूडाकोगेमी, ठीक। अब देखो होता क्या है, वैसे ये क्वेश्चन अब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और इसीलिए मैंने इसको डाल दिया है, पर इसमें एक सिंपल सी बात है, इसमें बैच लिख देते हैं अपने, यहाँ पर बैच लिख देते हैं, ठीक है। वैसे इस पर आज तक कोई रिसर्च नहीं हुई है, मतलब इस पर रिसर्च अधूरी है, अगर आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पर जाऊँ तो इसकी रिसर्च क्या है, अधूरी है, अभी तक रिसर्च हुई नहीं है, ठीक है। फिर भी ये क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, फिर नाबार्ड में या एफओ में कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो मुझे याद है। तो ये होता क्या करते हैं, जब वे टू बैच ऑफ मेल फ्लावर, जब दो बैच जो है फीमेल मेल फ्लावर के बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद दो बैच जो है फीमेल फ्लावर के बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, तो ऐसी कंडीशन को डियोडाइकोगेमी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, डियोडाइकोगेमी, ठीक है। तो मतलब डाइकोगेमी क्या होता है, हाँ अरे मेरी बात सुनो, हंसा आया था, मेरी बात तो सुनो, समझाने की कोशिश करते, समझोगे, मैं लिख देता हूँ नालायक, समझो। देखो डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइम पर मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी बोलते हैं। डियोडाइकोगेमी क्या होता है, पहले दो मेल बन जाएंगे फिर दो फीमेल बनेंगे, मतलब यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल नहीं बनेंगे, यहाँ पर दो मेल बनेंगे और दो फीमेल बनेंगे, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डियोडाइकोगेमी बोल देंगे, बहुत सिंपल सी बात है,
भाई डॉक्यूमेंट मैंने आपको क्या बोला कि जब एक मेल और एक फीमेल अलग अलग टाइम, मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ड्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पहले दो मेल बन जाएंगे, दो बैच पूरे मेल कंप्लीट होंगे, फिर दो मैच जो है बैच पूरे फीमेल कंप्लीट होंगे, ऐसी कंडीशन को ड्यू डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ठीक, अब इसकी अगर आप डेफिनेशन पे और जाओगे तो इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है, ठीक है, जाके आप IRI के लोगों से संपर्क कर सकते हो, मैंने संपर्क किया था, ठीक है, नहीं तो आप गूगल पर डाल कर देख सकते हो, वहाँ भी आपको ऐसे ही चीज़ें मिल जाएंगी। अब लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके की लैंग्वेज पूछी गई थी तो यहाँ पर याद रखना दो बैच दो फीमेल की बात होगी तो हम ड्यू डॉक्यूमेंट में आंसर सही लगा देंगे। ठीक बच्चों, ठीक है, बाकी इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है तो आप डोंट वरी रहिएगा, क्लियर है, ओके। हाँ, तो मैंने इस पर लिख दिया तो यूट्यूब पर बोल रहा हूँ साफ साफ, ठीक है, इस पर अधिक रिसर्च नहीं हुई है इसीलिए एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी अभी तक बनी ही नहीं है, ठीक है, ओके। अब क्योंकि ये डेफिनेशन कहीं कहीं बुक्स में लिखी रहती है तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार, तो कुछ हमारे क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलते हैं तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। अब ये हमारा नाबार्ड का बैच है जो कि 13 फेब से स्टार्ट हो चुका है आपका, तो उसको जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है आपका, और कल इसकी पहली क्लास हुई भी थी जो डिस्क्रिप्टिव की पूरी क्लास हुई थी, उसको जाके चेक कर लेना। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो आप सिंपली Y612 इनरोल के लिए इनरोल कर सकते हो आप सिंपल तरीके से, ठीक है, ओके। कैसे इनरोल करना है, देखो सिंपली जाना है यहाँ, अभी इतना लायक सिंपली जाना है, जाने के बाद आपको ऐप पे सर्च करना है ऑल कोर्सेज, क्या करना है ऑल कोर्सेज, और ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है। एग्रीकल्चर में देखो IPS AFO का बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, 5 बजे मेरी क्लास है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, या फिर आप सीधे नाबार्ड पे चले जाइए और आपका नाबार्ड का बैच यहीं पे मिल जाएगा, ये रहा नाबार्ड का बैच, ठीक है। इस नाबार्ड के बैच में ये नाबार्ड ARD डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और महापैक सब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जय हिंद बेटा। आप सिंपल जाइए नाबार्ड ग्रेड ए में, 6 मंथ की वैलिडिटी होगी इसकी, ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको वाइन ऑफ पे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, वाइन ऑफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, और कूपन कोड क्या अप्लाई करना है आप सबको पता होगा, नहीं पता तो कमेंट में बताइए कूपन कोड क्या अप्लाई करना होगा। यहाँ पर अप्लाई करना होगा Y612A, जैसे ही Y612A अप्लाई करेंगे आपको 3999 पूरा नाबार्ड ग्रेड ए मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाली है, सब फैकल्टी आपके सामने हैं, फिर भी आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है, ठीक है, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, सबका स्टडी प्लान है और सर सबका स्टडी प्लान यहाँ पर है, ठीक है, मेरा भी स्टडी प्लान है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ओके, तो मेरा फ्लेवर जो है 27 मार्च से इसमें स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल तक रहेगा। तो मैं मेरी क्लास में बेसिक हॉर्टिकल्चर, बेसिक हॉर्टिकल्चर 2, जनरल फूड साइंस 2, प्लांटेशन क्रॉप में ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ, इसमें ज़्यादा प्लांटेशन क्रॉप रहेंगे। हाँ, क्विज को हिंदी लैंग्वेज में भी करवाइए क्योंकि सभी लोग इंग्लिश, बेटा मेरी बात सुनो कमलेश यादव, नाबार्ड के पर हिंदी में अब इंग्लिश में आता तो इसलिए मैं नाबार्ड क्लास ले रहा हूँ, जब मैं हिंदी क्लास लूँगा तब आप लीजिए, मैं बहुत अच्छे से हिंदी कोचों को सपोर्ट करता हूँ, ऐसी बातें बोलकर मेरा दिल मत दुखाया करो, ठीक है, तो इसलिए ध्यान दो, हाँ, ठीक है, ये नाबार्ड क्लास चल रही है तो इसे मैंने इंग्लिश में आपको करवाई है, तो डोंट वरी रहा करो बच्चा, ठीक है। आप बहुत बार ऐसे कमेंट करते हो, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, पर ऐसी बात नहीं बोलते, हर जगह ऐसी बात नहीं बोलते, मेरे को दुख होता है कि मैं हिंदी के लिए इतना सपोर्ट करता हूँ फिर भी आप लोग ऐसे मुझे कभी कभी ऐसा दिला देते हो कि बच्चा हिंदी के बच्चे अच्छे नहीं होते, गलत बात है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, ठीक है, यहाँ पर देखिए यह पोर्शन मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ पूरा हॉर्टिकल्चर का, क्योंकि कम आता है तो प्लांटेशन क्रॉप को ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसका पैटर्न अलग है, तो ये आपकी पूरी फैकल्टीज़ है, ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी फैकल्टीज अलग अलग पढ़ाएंगी, किंजल मैम पढ़ाएंगी, ठीक है, और पिंकी यादव मैम पढ़ाएंगी, ठीक है, राहुल सर पढ़ाएंगे, संदीप सर पढ़ाएंगे, अमन ज्योत मैम पढ़ाएंगी, वीर आफ्तो सर पढ़ाएंगे, ठीक है, और हम आकाश सर यानी कि वो नाम अभी आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी तक इनरोल नहीं किया हो तो कर लीजिए, सिंपल सेम प्रोसेस है, और करने के लिए आपको Y612A इसी कूपन कोड का इस्तेमाल करना है बच्चों, ठीक है। तो कूपन कोड ध्यान रखिएगा, क्या अप्लाई करना है, Y612A अप्लाई करना है, ठीक है, ओके। वैसे आज से आपका AFO का बैच भी स्टार्ट हो चुका है तो AFO के बैच में इनरोल कर सकते हो, और AFO के ये आपके AFO के बैचेस हैं, ये आज से स्टार्ट हो रहा है, AFO बैच में कर सकते हो, और मेरा स्पेशल आगाज बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इन सबके साथ आपका एग्रीकल्चर महापैक पर डबल वैलिटी है, ठीक, जो बच्चा एग्रीकल्चर महापैक इनरोल नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको हर एक एग्जाम को कवर किया जाएगा। अगर आप नाबार्ड के साथ साथ AFO, नाबार्ड, ठीक है, FCI या आने वाले एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, हर एक एग्जाम की तैयारी एक साथ करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, नाबार्ड आपका इस AFO महापैक में इनरोल करोगे, जिसमें आपको 24 महीने की वैलिटी मिलने वाली बेटा, 24 महीने की, यानी कि 2 साल तक आपको पूरे एग्रीकल्चर बैच में एक्सेस मिलेगा। इसमें आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेनी पड़ेगी, अलग से कोई ईबुक नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है, सब कुछ आपको एग्रीकल्चर महापैक में मिलेगा, ठीक है। सिंपली आपको वाइन ऑफ पे क्लिक करना है, क्योंकि 4000 का आपका नावाड़ी है, इससे अच्छा आपका 6000 में आपको ये मिल जाएगा, तो आपको इसमें इनरोल करना चाहिए, ठीक है। करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाइन ऑफ पे क्लिक करना पड़ेगा, और वाइन ऑफ पे क्लिक करना, यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा Y612A। जैसे अप्लाई करोगे आपको 6300 दिखा देगा, ऐप से लोगे
क्वाइंस यूज करना, 6000 में पूरा बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी जितने बैचेस हैं सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को नया बूस्टर डोज दीजिए। ठीक है, आई रिकमेंडेड जब 2 साल की वैलिडिटी आती है तो आपको एग्रीकल्चर वहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए और अपनी चीज़ों को सुधार देना चाहिए। ठीक है, तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इनरोल करने के लिए 612 प्रो कोड का इस्तेमाल करिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।